मुंबई पिछले कुछ सालों से जेल में बंद डॉन लॉरेंस बिश्नोई से थर्राया हुआ है। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की शूटर्स के जरिए हत्या के बाद तो देश की ये महानगरी दहली चुकी है। कभी सलमान खान को धमकी तो कभी उन पर गोली चलवाना, कभी सिद्धू मूसेवाला की हत्या तो कभी कनाडा में ऑपरेशन तो कभी इंग्लैंड में क्राइम। हर बार जब भी ऐसे कांडों के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसकी जिम्मेदारी लेता है तो हैरानी ही होती है कि वो जेल में बैठकर कैसे ये सब कर रहा है। कई सवाल उभरते हैं, आखिर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर कैसे ये सब कर रहा है, जेल से वह कैसे सुपारी लेता है, वहां से अपने फैलते हुए गैंग को कैसे चलाता है, और सबसे बड़ी बात कि वह अपने गैंग वालों से कैसे बातचीत करता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं अनमोल बिश्नोई और उसके काम के बारे में। अमेरिका में बैठा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा है। अनमोल का नाम सलमान के घर फायरिंग करने के मामले में आया था। अनमोल सलमान के घर फायरिंग करने वाले शूटरों से सिग्नल ऐप के जरिए बात कर रहा था। सिंगर मूसेवाला केस में ये अहम आरोपी है। लॉरेंस बिश्नोई के बाद अनमोल बिश्नोई के पास ही गैंग की पूरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा वांटेड गैंगस्टर और आतंकी गोल्डी बराड़ भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कमांडर है, अमेरिका में बैठा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसका नाम सामने आया था। सलमान खान के मामले में भी उसकी काफ़ी चर्चा होती रही है। इस कुख्यात अपराधी पर सरकार ने कई इनाम रखे हैं। गोल्डी बराड़ कॉलेज के दिनों से ही लॉरेंस के स्टाइल को पसंद करता था। भाई की हत्या के बाद वो गैंग में शामिल हो गया। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा अमेरिका में बैठा हुआ है। अनमोल और गोल्डी बराड़ के साथ ये भी बिश्नोई गैंग को चला रहा है। सलमान खान के घर जब फायरिंग हुई थी तो उसने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी ली थी। एक मोबाइल टेक्नीशियन से गैंगस्टर बने रोहित का असली नाम राबता राम स्वामी है। गैंगस्टर बनने के बाद से ही उसका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं है। भारत में कई अपराध के बाद वो विदेश में जा बैठा है। रोहित गोदारा वहीं से अपने गुर्गों के जरिए अपनी गतिविधियां चला रहा है।